देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ। हमें नवरात्रि के लिए ढोल बजाने वालों की जरूरत है, तो क्या आप आ सकते हैं? आएंगे आएंगे, बोलो कहाँ पे आना है? गोकुलधाम सोसाइटी है, पाउडर गली है, गोरेगांव ईस्ट मुंबई। हम सोसाइटी में आ गए लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो किशन भाई, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पूरी सोसाइटी वाले यहाँ पे खड़े हैं, मंडप बांधा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा है? आप कहाँ हो? हम लोग सोसाइटी के गेट पे ही खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। कमाल है, मैं भी सोसाइटी के गेट के सामने ही खड़ा हूँ, मुझे आप क्यों नहीं नजर आ रहे हो? कमाल है, हम दोनों गेट पे खड़े हैं फिर भी एक दूसरे को दिखते ही नहीं रहे। कमाल है, गलत नहीं है। क्या किशन भाई, आप कौन सी सोसाइटी में खड़े हो? अरे आपने जो एड्रेस बताया वही सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, पाव वाली गली नायगांव। पाव वाली गली नायगांव? अरे मैंने मैंने बोला था पाउडर गली गोरेगांव। फिल्म सिटी के बाजू में आप नायगांव पहुंच गए? क्या ये कैसा विघ्न आ गया? आप लोग ढोल का टेंशन क्यों ले रहे हो? सोड़ी भाई के पास है ना? ओए पापा जी। मैं तो भूल ही गया यारो, और मेरे पास ढोल है। आप भी लेकिन बजाएगा कौन? ओ कमाल की गल कर रहे हो, वो ढोल मेरा है तो मैं ही बजाऊंगा ना। ओए अभी लेके आता हूँ। अरे छोकरी क्या लेकर आता हूँ, थोड़ी जा। अरे रोशन को तो सिर्फ भंगड़ा की ताल बजाने आती है। भंगड़ा की ताल पे गरबा कैसे करेंगे? हाँ, और शहनाई भी तो नहीं है। नहीं हाथी भाई, शहनाई का कोई टेंशन नहीं है, वो मैं मुंह से बजा कर एकदम सेम टू सेम इफेक्ट दे सकता हूँ। एक नमूना पेश करता हूँ, सुनिए। सेम टू सेम शहनाई चलेगा ना? चल चल रे, तू ऐसा मुझे पे 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 कर हम लोग मगर मत करे ऐसे। क्या भाई भागा है कोई? सॉरी और थैंक यू, पर सॉरी। हां हां, ऐसा थोड़ी कोई नवरात्रि मनाई जाती है। हे भगवान, दया भाभी अब क्या करें? माता जी हमें माफ करना, आज ढोल और सहने के बगैर ही आपकी आरती करेंगे। एक मिनट, आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जैसा दया भाभी ने सोचा है वैसे ही गरबा और आरती होंगे। कैसे? आप लोग बस थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए। दया भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ, आज मैं दुनिया हिला कर भी ढोल और शहनाई वाले को ढूंढ कर गोकुलधाम में लाऊंगा, वरना ये पत्रकार पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी में वापस नहीं आएगा। चल 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 भाई, रिक्शा थोड़ा जल्दी चला। हाँ सर। अरे चलना भाई, ऐसे चलाएगा तो कब पहुंचूंगा मैं? लगता है भाभी जी कब से कहीं आपका इंतजार कर रही है, आपकी नई नई शादी हुई है। अरे भाई तुम अपना काम करो ना, मीटर से ज्यादा फास्ट तो तुम्हारी जबान चलती है। आगे देख के रिक्शा चलो। बस बस आगे आगे आगे। टप्पू के पापा, क्या हुआ? पोपटलाल अभी गया तो है, अभी वही अभी क्या कर रहे? कमाल है पोपटलाल भी, सबको आरती करने से रोक के खुद पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग कब तक पोपटलाल का इंतजार करते रहेंगे? सही बात है, हमें आरती शुरू कर देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पोपट भाई ने इतने विश्वास से कहा है कि वो ढोल बजाने वाले और सहनाई वाले भाई को लेकर आएंगे, तो थोड़ी देर और हम लोग इंतजार कर लेते हैं। हाँ, दया भाभी
सही कह रही है। हाँ हाँ दया भाभी, पोपट भाई ने कहा है तो कर लेते हैं इंतजार थोड़ी देर। अरे क्या है एक्चुअली भाई, अब इतनी रात को कहाँ ढोल बजाने वाला और शहनाई वाला मिलेगा पोपट लाल को? जिसके खुद के शादी का ढोल अभी तक बजा नहीं है वो कहाँ से ढूंढ पाएगा ढोल बजाने वाले को? नहीं तेरे का है। और कितनी देर रात देखेंगे, आरती करने में लेट हो रहा है। सही बात है। अब बीड़ू फोन करके पता तो कर पप्पू है कहाँ। कभी फोन नहीं लग रहा है, बैलेंस खत्म हो गया होगा ना भाई। पर इस वक्त उसे ढोल बजाने वाला और शहनाई वाला अचानक कैसे मिल जाएगा? नवरात्रि में तो सारे लोग बुक होंगे ना। ये पापड़लाल कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। फो, कितने अरमानों से हमने देसी ढंग से नवरात्रि मनाने का नक्की किया था, अहमदाबाद से कपड़े भी मंगाए, कितनी सारी तैयारियां की, एक शहनाई वाले और ढोल वाले की वजह से पूरे अरमानों का ढोल फट गया। बहू, अब जो हुआ सो हुआ। हाँ भिड़े, जैसी माता जी की मर्जी। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग आरती शुरू करते हैं। भैया पप्पू जी कह रहे आरती शुरू करते हैं अभी। कोई बात नहीं दया भाभी, आज गरबा नहीं खेल पाएंगे। चलिए आरती करते हैं। हाँ चलो, चलिए आरती करते हैं, चलिए। हाँ हाँ, उसी के साथ आए हो ना आप लोग? हाँ। नहीं, हमको बॉस ने भेजा है। बॉस? बॉस? किसका बॉस? हमारे बॉस ने। कौन है तुम्हारा बॉस? बॉस नाम है कुछ, बॉस का नाम है कोई? भिड़े भाई शायद नाम ही बॉस होगा। फिर बॉस होगा शायद, बंगाली होगा शायद, वो बॉस बॉस कर।
जिंदा था जी। खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार। अरे अक्षय भाई, आप आपके राइट में क्यों जा रहे हैं? यहाँ बीच में आइए। अरे जेठालाल साहब, आपने सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ देखा, इसलिए तो राइट में खड़ा हो गए। अरे जेठालाल, तुम्हारा नाम जानते हैं, क्या बात है? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी वही बोलने वाला था। अरे बेटिया तो गलत आ गया। सॉरी यार, थोड़ा सा आपको देख के एकदम सब लोग उत्साह ही हो गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अक्षय सर, टप्पू सिंह आपकी सारी फिल्में देखती है। पर अक्षय सर, आपके और राउडी राठौर हम सबके फेवरेट है। और हमें यकीन है कि बॉस पिक्चर भी हमारी अगली फेवरेट पिक्चर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वैसे टप्पू सिंह, मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत सुना, आप लोग मस्ती बहुत करते हो, बहुत मस्ती करते हो, भिड़े सर को बहुत तंग करते हो आप। आप तक बात पहुंच गई, कमल है। लेकिन हाँ, ये बहुत मस्ती करते हैं, आप समझे इनको प्लीज। देखो टप्पू, कभी भी मस्ती करना बंद मत करना। हमेशा मस्ती करते रहना, क्योंकि बच्चे मस्ती करते हुए हमेशा अच्छे लगते हैं। भिड़े सर को भिड़ जाना, लेकिन मस्ती करना मत छोड़ना, समझे? ओके ओके सर। नाचो ना लगे। नहीं, वो बात सही है, मस्ती करनी चाहिए अक्षय साहब, लेकिन क्या है, पढ़ाई भी तो करनी चाहिए ना साथ में। पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते तुम लोग? हाँ, अगली बार अगर ये पढ़े नहीं तो बॉस को बता देते, इनकी खबर लेने आ जाऊंगा मैं। यस बॉस। ये सही बात है। नहीं नहीं सर, हम पढ़ाई करते हैं। हाँ। बच्चों, मस्ती भी करो पर पढ़ाई भी करो। अच्छा सर, आपकी फिल्म बॉस के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। आप मेरी फिल्म बॉस के बारे में जान के क्या करेंगे? हाँ यार भाई, अरे थिएटर में जाके पिक्चर देखने का, ऐसा फोकट में पूछ के वो पैसा नहीं बचाने का। क्या जेठालाल, क्या कुछ भी मत, क्या कुछ भी मतलब क्या? प्लीज प्लीज प्लीज, अक्षय सर प्लीज, आप बताइए ना प्लीज। मैं बताता हूँ, मेरी कहानी तुम लोगों से अलग नहीं है। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ बॉस की वैरायटी है। यहाँ गुजरात की मस्ती है, वहाँ हरियाणा की कुश्ती है। यहाँ सोसाइटी वालों का रिएक्शन है तो वहां बॉस का एक्शन है। और दोनों कहानियों में सबसे कॉमन चीज एक अच्छे बापू, फैमिली इमोशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली इमोशन। तोड़ी नाक तबला ने फोड़ी नाक पेटी, नाच गरबा मार के सीटी, पहन के बॉस की अंगूठी। क्या बोलता है? अक्षय भाई, एक बात समझ में नहीं आई। इतना समझ के क्या करोगे, पिक्चर के बारे में इतना बता दिया, बहुत हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अचानक हमारी सोसाइटी में कहाँ से प्रकट हो गए? वो मैं बताता हूँ, मैं सारी बात बताता हूँ डिटेल में। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं अच्छे से बताऊंगा। जब तक तू कहानी बनाएगा अपने दिमाग में, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। प्लीज, जैसा तू बताना चाहता है वैसा ही बताऊंगा। ठीक है, ये सब इनकी वजह से हुआ। ये आए मेरे पास और इन्होंने कहा, देखिए मैं पास की गोकुलधाम सोसाइटी से आया हूँ, आप लोग थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलेंगे? क्यों? तो आज नवरात्रि है ना, ढोल और शहनाई की वजह से हमारी सोसाइटी में गरबा और आरती रुके हुए हैं। मतलब
मतलब वो ढोल और शहनाई वाले टाइम पर नहीं आए ना, इस वजह से गरबा और आरती नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ पे शूटिंग चालू है। एक गोकुलधाम सोसाइटी पास में ही है भाई, 10 मिनट का काम है। बोलो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। चलो ना भाई, मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोग नहीं आओगे तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे सुनो सुनो भाई साहब। अरे भगवान अब क्या करूँ, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। माता जी मेरी लाज रखना, अब कौन मेरी मदद करेगा? मैं मदद करूंगा तुम्हारी। इधर इधर इधर। अक्षय जी आप? और क्या, यहाँ क्या कर रहे हो? आपने पहचाना मुझे? वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला था आपको। बड़े पत्रकार, हमारे यहाँ कोई ब्रेकिंग न्यूज ढूंढने आया लगता है। नहीं 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 सर, यहाँ पर कोई ब्रेकिंग न्यूज ढूंढने नहीं आया हूँ, वो ढोल और शहनाई वाले को ढूंढता ढूंढते यहाँ आ गया हूँ। क्यों, शादी पक्की हो गई क्या तुम्हारी? थैंक यू, मेरी शादी के लिए आपको भी चिंता है। बस सर हो ही जाएगी थोड़े दिनों में। लेकिन क्या है ना, वो आज नवरात्रि है ना, तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा और आरती रुके हुए हैं। ऐन मौके पर ढोल और शहनाई वाले पहुंचे नहीं, तो मैं उनको ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। कौन सी सोसाइटी? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। ये वही है ना जो जेठालाल और दया भाभी रहती हैं? वही। और वो जो दया भाभी जो हर साल गरबा करते करते सोसाइटी के बाहर निकल जाती है, वही है ना? हाँ सर, हाँ सर, वही सोसाइटी। आपको तो सब पता है। अरे बॉस जो ठहरे, पोर्टेबल इंटेलिजेंट साथ लिए घूमे। चल तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पराग लंबाकार ब्रेक को, लंबाकार ब्रेक को। ए, गाड़ी भी निकाल मेरी, जल्दी बोल। थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू। चल आ जा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। पोपट लाल ऐसा ही हुआ था ना? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अक्षय जी प्लीज, अक्षय भाई प्लीज प्लीज मान जाइए ना, मेरी दुनिया हिल गई है। आप बोलेंगे तो वो लोग मान जाएंगे। प्लीज प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। अरे मेरा पैर छोड़ो, मुझे खाना खाने जाना है, ब्रेक हुआ है। अरे सुनिए, आप हाँ बोलेंगे तभी मैं पैर छोड़ूंगा। देखिए वहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज आप चलिए ना। नहीं आ सकता हूँ। सुनिए मेरी दुनिया हिली हुई है। दादी मैं नहीं आ सकता हूँ। अक्षय भाई मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आप चलिए, मेरी इज्जत का सवाल। अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं नहीं आ सकता भाई, वहाँ पर गरबा और आरती रुके हुए हैं माता जी के। किसके? माता जी की आरती रुकी हुई है। पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ? मैं आपको तब से वही तो बोल रहा हूँ। हाँ बोला तुमने, अभी तो बोला माता जी की आरती रुकी है। नहीं नहीं वही गरबा और आरती रुका हुआ है जरा वहाँ पर। पराग एक काम कर, जो ब्रेक है ना इसको थोड़ा लंबा कर दे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इसका मतलब है आप मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं? अरे मेरी तो लाइफ बन गई। थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू। इसे कहते हैं सुपरस्टार। तुम लोग भी आ जाओ मेरे साथ। चलिए 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 चलिए। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब सुपर सुपर बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू, आपने मेरी नाक रख ली अक्षय भाई। थैंक यू, आपका दिल बहुत बड़ा है। वाह पोपट भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। हाँ कुंवारा है ना इसलिए। अक्षय भाई आपको भी थैंक यू, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे। बापू जी मजा आ गया। और साथ में आप ढोल वाले भाई और शहनाई वाले भाई को लेकर आए, उसके लिए फिर से थैंक यू। वरना हम लोगों का गरबा का प्रोग्राम तो आज कैंसिल ही था, आपने आके बचा दिया बस। हाँ अरे सब इनकी बदौलत से, और वैसे भी मैं माँ अम्बे का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इनकी आरती में कैसे मिस कर सकता हूँ। भगत भगत मानस है। तो फिर आरती शुरू करें। हाँ चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से। सिर्फ एक ढोल और एक शहनाई के लिए तरसने वाले गोकुलधाम निवासियों की समस्या का निवारण बॉस अक्षय कुमार ने चुटकियों में कर दिया। माताजी के भक्त अक्षय कुमार स्वयं अपनी शूटिंग छोड़कर ढोल बजाने वालों की टोली के साथ गोकुलधाम आ पधारे हैं माताजी की आरती करने के लिए और गरबा खेलने के लिए। इसे कहते हैं माता का प्रेम। भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि होती भी तो स्पेशल है और आने वाले मेहमान भी सुपर स्पेशल होते हैं। अब देखिए ना बॉस अक्षय कुमार स्वयं आए हैं और गोकुलधाम निवासियों की खुशियों का पार नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि दशहरे में ही दिवाली का गिफ्ट मिल गया। अब सारे लोग बेताब है अक्षय कुमार के साथ गरबा खेलने के लिए और अक्षय कुमार को शूटिंग पे भी जाना है। अब वो कैसे अपना पीछा छुड़ाएंगे इनसे, कौन सा पैतरा खेलेंगे यहाँ से जल्दी निकलने के लिए। हर पैतरे के साथ आपके घरों में उतनी हंसी होगी जितनी यहाँ पे
डांडिया बजेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।